चुनावी महासमर अंतिम पड़ाव पर पहुंचने ही वाला है, पर सियासी तपिश मौसमी गर्मी पर भारी पड़ रही है। वाराणसी राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, इस बार निशाना बना है चुनाव आयोग। कमीशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी एंटिटी इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज। इट हैज ऑलवेज बीन डिस्चार्जिंग इन अ वेरी forthright manner. We would only appeal to the senior leaders in different political parties to show greater maturity in discourse while referring to constitutional body like election commission. वाराणसी में नरेंद्र मोदी की रैली की इजाजत न मिलने पर गुरुवार को काफी बवाल हुआ। बीजेपी ने दिल्ली और वाराणसी में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह गुरुवार को 11 बजे वाराणसी में लंका चौक पर धरने पर बैठे और 3 घंटे बाद यानी 2 बजे इन्होंने धरना खत्म किया। A rally, he says, I will not allow because there is a security consideration. Now in Kashmir rallies are being allowed, in Maoist areas rallies are being allowed, but Varanasi has become so unsafe that rallies will not be allowed. लोगों में और कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है, जिस तरह से प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ हैं। 8 घंटे की नोटिस से 50,000 से ज्यादा लोगों का हुजूम आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस सब के बीच वाराणसी पूरी तरह से चुनावी अखाड़ा बनता दिखा। अमित शाह, अरुण जेटली और अनंत कुमार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर धरना देकर डीएम प्रांजल यादव पर भेदभाव का आरोप लगाया और उन्हें हटाने की मांग की। इस बीच जिला प्रशासन ने वाराणसी शहर में धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत 4 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। अधिकारियों ने भाजपा को 4 चुनावी कार्यक्रम करने की इजाजत दी थी, जिसमें बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात और गंगा पूजा शामिल थी। सुरक्षा कारणों के चलते बिनियाबाग में चुनावी रैली को इजाजत नहीं दी गई थी। भाजपा ने निर्वाचन आयोग पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया और वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी के भेदभावपूर्ण रवैयों को लेकर उन्हें हटाने की मांग की। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज़।